नमस्कार बच्चों, वार्षिक परीक्षा के हम और करीब आते जा रहे हैं, या यो कहें वार्षिक परीक्षा हमारे करीब आती जा रही है। बच्चों, 2017 की गणित विषय के लिए हम तैयारी कर रहे थे और शुरुआती जो एक्सरसाइज है बच्चों, वो अक्सर क्या होता है कि जुलाई अगस्त में होने की वजह से आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं उसे, और इसीलिए हमारी जो थर्ड चैप्टर है बहुपद, उसमें सर्व समीकरण हमने आपको पिछली क्लास में समझाई थी, अगर आपको याद हो, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई, x माइनस वाई, और x प्लस ए, x प्लस बी, उस पर आधारित एक बार आइए थोड़ा सा दोहरा लेते हैं हम। फिर हम 3.5 जो एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है टेंथ के दृष्टि से, कक्षा 10 अगले साल वार्षिक परीक्षा आप लोगों की बोर्ड की होगी, याद है आप लोगों को, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। यस, ध्यान दीजिए, सर्व समीकरण x प्लस वाई होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इस बार ऐसा कीजिए, आप खुद लिखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा वो आप खुद लिखिए, और एक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर फैक्टर वाली फॉर्म में है तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जैसा आपको याद है पिछली बार हमने आपको जब बताया था तो हमने इसी फॉर्मेट में बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। पहले मौका आपको दिया बच्चों, बराबर लिखिए क्या है इनमें। यस, लिखिएगा बच्चों, आपको मौका दिया था हमने ये लिखने का, आइए मिलान करें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इधर में बच्चों ये थोड़ी सी ध्यान रखने की है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इनमें से कुछ सर्व समीकरणों का यूज करते हुए आज हमें सवाल करने हैं। पहला सवाल कुछ इसी तरह का है, पहला और दूसरा एक बार हम फिर से याद दिला दें कि ये बच्चों दोहरान वाली क्लासेज हैं वार्षिक परीक्षा 2017 के लिए, ठीक है, तो हम थोड़ा सा तेजी से लेना चाहेंगे। पहले का फर्स्ट पार्ट, x प्लस थ्री एंड x प्लस सेवन, और लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमारे को ये जो फॉर्मेट दिख रहा है x प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, ये इस चतुर्थ आइडेंटिटी की तरह से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ चौथी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये है, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू यहां पर थ्री प्लस सेवन एक्स, और इधर ब्रैकेट में थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन, हाँ इधर तीन, इधर प्लस सात, और इधर तीन गुणा सात, तो एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन। बस ये गुणनफल ज्ञात करना है इनका गुणा। और बच्चों सुनो, कभी आप अगर सर्वसमी का भूल जाए ना बच्चों, तो जैसे आप बचपन में किया करते थे छोटी क्लासेस में, x प्लस थ्री और x प्लस सेवन को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, एक तरह से यही तो मतलब है इसका, कि दोनों को गुणा करना है, x प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई x प्लस सेवन, तो वो आप x x प्लस सेवन प्लस थ्री x प्लस सेवन, तो अगर इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो x स्क्वायर प्लस सेवन x प्लस थ्री x प्लस ट्वेंटी वन, तो x स्क्वायर प्लस टेन x प्लस 21। आपको याद होगा इस तरह के सवाल हमने गुणनखंड की प्रैक्टिस भी करवाई थी आपको,
कि एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस इक्कीस, और इसके टुकड़े जो हमने किए 7 × 21, फिर इधर x कॉमन x प्लस 7 प्लस 3 कॉमन x प्लस 7, ये उसका रिवर्सिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। उल्टा गुणनखंड करने के लिए बोला तो ये प्राप्त हुए, गुणनफल प्राप्त किया तो ये आया। ये था सर्व समीकाओं का यूज लेते हुए। कौन सी सर्व समीका? चतुर्थ, फोर्थ सर्व समीका। और अगर याद नहीं है इस स्थिति में सवाल छोड़ने वाली नौबत नहीं आनी चाहिए बच्चों, उससे भी आपको सर्व समीका ये याद आ जाएगी तुरंत फुरत में कि क्या था। हां, अगर यहां पे कभी प्लस की जगह माइनस में है ना बच्चों, तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल ध्यान से करेंगे थोड़ा सा, जैसे सवाल नंबर इसी का सेकंड पार्ट, और अगर आप फोर्थ देखें बच्चों, फोर्थ तो फोर्थ में आप देखेंगे कि यहां पे दोनों ब्रैकेट अलग अलग दिख रहे हैं आपको, 5 − 3x 3 + 2x, और ठीक इसी तरह से जो तीसरा है 2x + 7 और 3x − 5, उसमें डायरेक्ट इस तरह का रूप आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो गुणनफल की तरह से कर लेंगे बच्चों उसमें, ठीक है। एक बात हम इसका सेकंड और समझा देते हैं आप लोगों को, फिर हम सवाल चेंज करेंगे बच्चों, ठीक है। चूंकि ये रिवीजन है इसलिए हम थोड़ा सा तेजी से लेना चाहेंगे। x − 5 x + 8 x − 5 x + 8, आप सवालों के साथ में उसकी जो भी सर्व समीका है उसको लिख सकते हैं। सर्व समीका x + a x + b बराबर x² + a + bx + ab। x + a x + b = x² + a + bx + ab। a की जगह पे -5 है, b की जगह 8 है। आइए समझें इसे, x² + a + b, तो −5 + 8, x यहां चल रहा है ये ब्रैकेट के बाहर, और इधर में −5 × 8, तो यहां आया x² + इनका रिजल्ट प्लस का 3x और −40, प्राप्त हो गया गुणनफल। और बच्चों सुनो, अगर हम इनके गुणनखंड करेंगे तो वो ये प्राप्त होंगे। उतार लीजिए, ये था गुणनफल वाले सवाल पहले का सेकंड पार्ट। यस, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, ये हम आपको बता दे जरा, पेज नंबर 64 पे हम चल रहे हैं, एक्सरसाइज 3.5। अब हम 64 पेज पे ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसमें हमें कहा गया है बीजीय सर्व समीकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसका? 104 मल्टीप्लाई 109, 104 को 109 से गुणा करना है बीजीय सर्व समीका का उपयोग करके। तो इसके आसपास में एक बढ़िया सा नंबर आपको मिलेगा 100। इसको हम 100 + 4 लिख सकते हैं, इसको 100 + 9 लिख सकते हैं। इसके नियर बाय में एक ऐसा अंक जिसका गुणनफल आप इजीली कर सके, उससे प्लस माइनस इसको दिखा देते हैं हम। तो ये 100 + 4 100 + 9 100 + 9, और अब यही सर्व समीका इसमें लगेगी बच्चों, समझिए कैसे। x की जगह 100 है और a की जगह 4, b की जगह 9, तो यहां हुआ 100² + 4 + 9 100 + a × b means 4 × 9, तो यहां पे एक के आगे कितने जीरो आई है,
हां चार, और इधर में 9 और 4 13, तो ये हुआ 1300, और 9 चौक 36, तो ये इन सबको जोड़ने पे 11336। और बच्चों सुनो, पिछले चैप्टर में हमने आप लोगों को वैदिक गणित भी तो बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, तो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आइए वैदिक गणित इधर समझा दें हम इसको अलग से, यही सवाल वैदिक गणित से कैसे करते हैं, बस इसमें आधार अंक पहचानना होता है, तो यहां पे आधार अंक बराबर 100, आधार अंक 100, 100 से कितना अधिक है ये 4, और ये 9 अधिक है। तो आपको हमने बताया था बच्चों कि इसमें आधार में 2 शून्य है, तो 2 अंक गुणनफल से हम बनाते हैं, और बाकी के इधर आधार में इनका जो डिफरेंस होता है उसको जोड़ देते हैं बच्चों 100 में। तो यहां पे 9 चौक 36, पीछे के 2 अंक, और यहां पे 104 में 9 प्लस कर देते हैं, 104 प्लस 9, या फिर 109 में 4 प्लस कर लीजिए, या फिर 100 में इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आएगा 113। तो 11336 इज द राइट आंसर, वैदिक मैथमेटिक्स वैदिक गणित का इस्तेमाल करते हुए हमने किया, उत्तर वही मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो वो चीज भी आप इसके साथ संभल के चलिए। और बच्चों एक बात बताएं, सुनो इसमें होता क्या चक्कर कि इनको 2 अंकों पे क्यों रखते हैं, क्योंकि यहां 100 होने की वजह से 2 शून्य हमेशा आएंगे, या 100 का स्क्वायर होने की वजह से 2 क्या 4 शून्य आएंगे। तो अगर हम इन 2 शून्य पे नजर रखें ना बच्चों, तो ये तो 100 प्लस नंबर होने की वजह से सदैव आएंगे, तो इनकी जगह इनके गुणनफल वाले 2 अंकों ने ले ली 2 अंक, ध्यान रखिए 2 अंक वो 0-0 दे रहे हैं उधर के बाद, उनकी जगह इसने ले ली, और यहां 100 से जो भी गुणा होगा वो 9 और 4 13 से गुणा होगा। अगर मान लीजिए आपका अंतर कुछ और है, उससे 100 गुणा हो जाएगा, वो इस 100 में प्लस हो जाता है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएं तो सब कुछ आप लोगों को नजर आएगा बच्चों, जैसे मेरे को नजर आता है। आइए सवाल नंबर 2 के सेकंड पार्ट को हम देखें, वो माइनस वाला है, वो भी समझ लीजिए, उसमें भी हम वैदिक गणित का इस्तेमाल करते हुए आपको बताएंगे बच्चों। कुछ बच्चों का कहना है कि सर अभी उतारा नहीं, तो उतार लीजिए दोनों पार्ट, वो वैदिक गणित वाला जो हमने सर्किल में बनाया है, प्लस ये उतारिए जल्दी से। इधर का संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। देखिए सेकंड, दूसरे का सेकंड 94 × 97। अब की बार हम 90 से प्लस भी कर सकते हैं, 90 प्लस 4 और 90 प्लस 7, लेकिन 90 से गुणनफल में उतनी सहजता नहीं है जितना हम 100 से गुणा कर सकते हैं, तो हम इसको भी 100 माइनस 6 और इसको लिख रहे 100 माइनस 3। पुनः पुनः देख लीजिए, सवाल में 94 × 97 था, ये 100 से 6 कम है, 100 से 3 कम है, सर्वसमिका का रूप यही है, तो यहां पे x की जगह पे 100, a की जगह -6, b की जगह -3, कैसे करेंगे समझिए जरा, 100 स्क्वायर प्लस a की जगह -6, b की जगह -3, मल्टीप्लाई बाय 100,
प्लस माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री, माइनस छह गुणा माइनस तीन। तो यहां क्या हुआ बच्चों? हां हां, 10,000 और इधर ये माइनस का 9, माइनस छह माइनस तीन माइनस 9, तो ये माइनस का 900 और माइनस माइनस प्लस 18। इसमें यहां ये 18 तो पीछे पीछे के दो अंक लेगा ही लेगा, और ये 9 इसमें से माइनस हुआ तो 91, 9118 इज द राइट आंसर। और आपको आंसर से मैच करने की आदत हमने डलवा रखी है बच्चों, उससे जरूर मैच करिएगा जिससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़े। यस, ये था 3.5 का दूसरे का सेकंड पार्ट, 9118 बिल्कुल सही है। और ये सवाल भी हम वैदिक गणित से आप लोगों को समझाना चाहेंगे बच्चों, जिससे हमारा वैदिक गणित थोड़ा सा रिवाइज हो सके। अब एग्जाम में आप लोग जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा में, क्या था सवाल? 94, 97 से मल्टीप्लाई करना चाहते थे, आधार अंक इसमें भी 100 लीजिए बच्चों। ये 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, इनके आसपास की संख्याएं बहुत आसानी से गुणा भाग हो सकती हैं वैदिक गणित के अंतर्गत। यहां पे ये 100 से कितना कम है बच्चों? 6, तो माइनस 6 हम लिख रहे हैं। ये 100 से 3 कम है, माइनस 3, इनका गुणनफल माइनस 6 गुणा माइनस 3 अंतिम दो अंक बनाएगा, लास्ट टू डिजिट। और इधर में 94 को माइनस 3 हम और कर रहे हैं, क्रॉस में माइनस कर दीजिए, या तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए या इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो ये आया 9118। आप पाएंगे ये और ये उत्तर मिल रहा है, उतार लीजिए दोनों मेथड। ये था वैदिक मैथमेटिक्स का और ये हमारे बीजीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए। इसी में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा, हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे उसमें भी गड़बड़ कर लेते हैं, तो उसको भी समझ लीजिए जल्दी से, आप लोग इसे उतार लीजिए। यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, वैदिक गणित का पार्ट भी उतार लीजिए। और थर्ड जो पार्ट है ना बच्चों, आइए उसमें एक प्लस और एक माइनस होने पे क्या क्या बदलाव होता है देखें जरा, समझिए। उसमें थोड़ा सा हमारे को ध्यान देने की जरूरत होगी बच्चों, क्योंकि आधार अंक हमने 100 लिया है। देखिए थर्ड पार्ट, दूसरे सवाल का थर्ड पार्ट, सवाल है 103 गुणा 97। अब बच्चों इसमें हम 100 प्लस 3, 100 माइनस 3, तो क्यों ने इसकी सर्व समीका को
जब ये एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है तो इस पे गौर करें हम, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसके अंतर्गत भी कर सकते हैं इसे। और सुनो, अगर इसके अंतर्गत किया ना तो ये प्लस का तीन माइनस का तीन से कैंसिल हो जाता है, तो बीच का पद जीरो आया। इसलिए आप देखेंगे कि दो ही पद प्राप्त हुए जब इसमें जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा होता है और यहां पे दोनों संख्याएं समान हैं, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बचता है, बाकी तो कैंसिल ही हो जाते हैं। तो हम यहां पे सर्वसमी का बदल रहे हैं बच्चों, इस फॉर्मेट को हम लिख रहे हैं इस तरह से, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या रहा बताइए, हाँ 10,000 माइनस 9, 10,000 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आया 9991, 9991। यस, मैच करें आंसर शीट से, 9991 बिल्कुल ठीक है, उतारिए जरा। और इसी में अगर वैदिक गणित के अंतर्गत हम इसको समझने चलें तो ये 100 यहां पे प्लस का 3, 100 से 103 प्लस है, 97 माइनस है, और इधर इनका गुणनफल माइनस 09, दो अंकों में लिखना है हमारे को, माइनस में प्राप्त हुआ, और इधर क्रॉस में ये 100 आया। तो होता क्या बच्चों, जब इधर के अंक माइनस में हो नेगेटिव में हो तो एक अंक इधर से लेके वो इधर आके आधार अंक में बदल जाता है, आधार अंक हमारा 100 था तो एक इधर आके 100 में बदल गया, तो 9991 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इस तरह के एक प्लस और एक माइनस के कुछ सवाल और मन से बना के आप जरूर करिएगा बच्चों, जल्दी से उतारिए अंतराल से पहले, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग इसे। हाँ उतारिए बच्चों जल्दी, इसमें एक में प्लस एक में माइनस था, संयोग से जितना प्लस था उतना ही माइनस था, तो हमने इसकी सर्वसमिका को बदल दिया, सर्वसमिका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे को उपयुक्त लगी, और उसका यूज करते हुए पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 10,000 माइनस 9, 9991 हमारे उत्तर प्राप्त हुए, और यही हमारे को वैदिक गणित से प्राप्त हुए बच्चों। अब सवाल नंबर 3, इसमें उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करने की सलाह हमें दी गई है, और चौथे में सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का विस्तार हमें करना है, तो इन सवालों को हम लेते हैं एक दो मिनट के अंतराल के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा ICT की क्लास।
पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। सवाल नंबर 3, उपयुक्त तो सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। बच्चों इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए कि आप लोगों को वो सवाल देखते ही पहचान सको कि इसमें तो ये सर्व समीकरण लगेगी, इसमें ये लगेगी, इसमें ये लगेगी। कैसे? देखिए, एक साथ हम सभी तीनों पार्ट दिखा रहे हैं तीसरे सवाल के। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y2। सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एंड द थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस y2। ये बच्चों ठीक उसी तरह से जैसे अपने घर के अंदर आपने देखा होगा ना, एक चाबियों का जो गुच्छा होता है, तीन चार चाबियां अगर है उसमें तो आप बता सकते हो कि ये वाला ताला जो है इस चाबी से खुलेगा, ये इससे खुलेगा। ठीक उसी तरह की ये चीज है। अगर इस सवाल को अगर आप देखें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर, तो आप देखोगे छोटा ताला नजर आ रहा है, दो पदों वाला ही। तो दो पदों को खोलने के लिए ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, गुणनखंड हो जाएंगे। जहां तक इसकी बात है, इसमें बीच में माइनस का चिन्ह है, तीन पद आपको दिख रहे हैं, इसमें प्लस का चिन्ह है बीच में और तीन पद आपको नजर आ रहे हैं। इसमें संभावना पहले सर्व समीकरण की, इसमें दूसरे की और इसमें तीसरे की है। चौथे का यूज तो अभी हमने भली बात आपको बताया ही है, ठीक है ना बच्चों? तो आप पहले सर्व समीकरणों को अच्छी तरह से याद कीजिए, उनका उपयोग अच्छी तरह से समझिए, टेंथ में भी वो बहुत यूज आएंगे बच्चों। तो ये अभी वार्षिक परीक्षा की तैयारी चल ही रही है, दसवीं के लिए भी आप लोगों की भूमिका बन रही है। यहां पे बच्चों सुनो, ये x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है। अगल और बगल को पहले देख लो, होल स्क्वायर को। बीच में 2 × पहला पद किसका स्क्वायर है? x का। दूसरा 3y का। तो यहां पे 2 ब्रैकेट में x और 3y। इससे इस सर्व समीकरण नंबर 1 से हम यहां पे बॉक्स में लिख भी सकते हैं बच्चों, इसको किसी भी फॉर्मेट में लिखिए, चाहे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखने पे ये क्या रहा, यहां तो किया x, चिन्ह बीच में से लीजिए और इधर से 3y का होल स्क्वायर। और बच्चों सुनो, ये वो जो हमने त्रिपदीय गुणनखंड बताए थे ना, उससे भी कर सकते हैं। 3 × 9, तो 3 × 9 ही टुकड़े होंगे, 3xy 3xy, उससे भी कर लेंगे तो भी यही प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम समझें, सर्व समीकरण का यही, इसी सर्व समीकरण में यहां माइनस होने पे यहां माइनस हो जाता है। आइए कैसे, ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, इधर बीच में माइनस 2 एक्स गुणा 2। अरे वही बच्चों, ये जिसका स्क्वायर है उसको यहां रखा, ये जिसका स्क्वायर है उसको यहां रखा, बीच में माइनस 2xy तो आता ही है। तो यहां पे हमने लिखा x, चिन्ह बीच में से लिया, यहां लिखा 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर। और इसमें ये किसका स्क्वायर है? x बटे 10 का। और ये किसका स्क्वायर है? y का। तो इसमें जैसे हमने सर्व समीकरण यहां पे लिख के इसी तरह से हम ये लिख सकते थे, ठीक इसी तरह से ये जगह सर्व समीकरण की है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x बटे 10 प्लस y और x बटे 10 माइनस y। उतार लीजिए, x बटे 10 प्लस y, x बटे 10 माइनस y, ये इसके उत्तर हमें प्राप्त हो गए थर्ड के। उतारिए जल्दी से,
जस बच्चों, संभवतया तीसरे के तीनों पार्ट आप लोगों ने समझ भी लिए होंगे, उतार भी लिए होंगे, और इसी तरह के सवाल आप लोगों को अभी वार्षिक परीक्षा में भी नजर आएंगे। बच्चों एक बार हम फिर से दोहरा दें, कुछ चैप्टर्स आप लोग टेंथ के इजीली कर सकते हैं नाइन्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन टेंथ के बुक में थोड़ा सा आप लोगों के बदलाव होके आ रहा है। जल्दी आप लोगों के हाथ में होगी बच्चों टेंथ की बुक। आइए चौथा सवाल देखें, सवाल नंबर चार, उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। तो हमारे को ये ब्रैकेट खोलने हैं और इसमें चौथे में जो सर्व समीका का इस्तेमाल हो रहा है वो सर्व समीका नंबर पांच है। आइए जरा उस पांचवी सर्व समीका को लिखा जाए। ध्यान दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। पुनः पुनः देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, छह पद हमें प्राप्त होंगे। चूंकि ये सर्व समीका है इसमें सभी पद पॉजिटिव दिए हुए, धनात्मक दिए हुए हैं। अब आपके सवाल में मे भी पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। तो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बोला था कि अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, प्लस माइनस की गलती से ब्रैकेट बचाएगा। बच्चों देखिए कैसे, फर्स्ट सवाल नंबर चार का 2a माइनस 3b माइनस c होल स्क्वायर, तो यही सर्व समीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए आप और हम मिलके इसका इस्तेमाल करें। ध्यान दीजिए, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर बाहर, तो बच्चों सुनो प्लस ही गिराइए जो यहां है, इधर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, और इधर प्लस 2 ब्रैकेट में 2a मल्टीप्लाई माइनस 3b प्लस 2 तो आएगा ही आएगा, माइनस 3b मल्टीप्लाई माइनस सी, और प्लस 2 तो आएगा ही आएगा, माइनस सी मल्टीप्लाई बाई 2a। कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार ये स्टेप वापस से बता दीजिए। सुन लो बच्चों, इधर इधर ध्यान दो आप लोग, इसका ये सर्व समीका हम मान के चल रहे हैं, आपको याद है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। इन छह पदों के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर। तो इनमें यह पाया गया है कि पहले तीन पद तो स्क्वायर होके हमेशा धनात्मक प्राप्त होते हैं, तो यहां पे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यह हमें प्राप्त हुआ। अब इन तीनों का गुणनफल 2 दुनी 4, 4 तिया 12 है, तो माइनस के 12 है ab, इधर में 3 दुनी 6, इधर कोई संख्या है नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 6 ए बी, ए बी तो इधर आ चुका ना बच्चों, बी सी, ध्यान से, और इधर में इसका 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 सबका गुणा हमें चाहिए, तो माइनस 4 सी ए, सी ए भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, ए बी बी सी सी ए। यहां पे कोई पद आपको रिपीट होते हुए नहीं दिख रहे, तो यही हमारे इस सवाल का उत्तर हो गया, गुणनफल हो गया, विस्तार हो गया। अब बच्चों इसमें एक बात ध्यान सुनिए, कभी कभी ये सवाल गुणनखंड के रूप में आ जाता है। जैसे हम आपको बताएं, सवाल नंबर आप ही की इसी पाठ्य पुस्तक का पांचवा जो सवाल है वो इस तरह का है, और इसके गुणनखंड करने यानी कि उत्तर इस फॉर्म में चाहिए, तो हम इन तीनों पदों को देख के ये पता नहीं कर सकते कि इसमें नेगेटिव कहां आएगा। इन तीनों पद से तो ये तीनों धनात्मक है,
तो ये बताता है कि इन दो में माइनस का चिन्ह है ना, तो इन दोनों में ए कॉमन है या बी कॉमन है या सी कॉमन है, तो अंदर से ही आवाज आएगी कि ए कॉमन है। क्या कॉमन है? ए। तो आप ए पे, अकेले ए पे माइनस लगा आ सकते हो, यानी कि माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें बच्चों, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा। फिर आप कहोगे सर सवाल तो ये माइनस में दो जगह है। तो बच्चों सुनो, या तो इसको अकेले को माइनस कर लो, अगर आप इसको माइनस नहीं करना चाहते हो तो बाकी दो जगह आपको माइनस करना होगा। कहां कहां? 2a माइनस 3b माइनस c का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों के उत्तर यही प्राप्त होंगे बच्चों। चाहे हम इसका होल स्क्वायर करें चाहे इसका होल स्क्वायर करें, दोनों ही स्थितियों में ये प्राप्त होगा, 2a माइनस 3b माइनस c होल स्क्वायर और माइनस 2a प्लस 3b प्लस c होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखिए इस तरह से, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों। और इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ में थोड़ी सी हल्की फुल्की, ये फिफ्थ वाले में प्रिंटिंग मिस्टेक है, थर्ड वाले में होल स्क्वायर छपा नहीं है, जो हमने पिछली बार आप लोगों की बुक्स के अंदर करेक्शन करवाया था बच्चों। ठीक है, तो हल्की फुल्की मिस्टेक्स आप लोग खुद देख लेना, और बाकी के जो सवाल है, कीमती सवाल हैं, उनको हम अगली क्लास में लेना चाहेंगे। आप लोग सेल्फ इसी तरह के आधारित सवाल स्वयं हल कीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? तो हम फिर से आपको बता दें जरा, गणित को प्रैक्टिस से जीत सकते हो। हम भी आप लोगों को बता दें जरा कि हम यहां से जो आपको टेलीकास्ट दे रहे हैं उसके पीछे काफी अभ्यास है, प्रैक्टिस है बच्चों। ठीक है, तो अगली क्लासेस में कुछ नया लेके हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार बच्चों।